The Indian Navy continues to demonstrate its prowess on the high seas with the successful rescue of 17 crew members from an Iran-flagged fishing vessel MV Iman, which had been hijacked by Somalian pirates. The daring operation took place 700 nautical miles west of Kochi in the Arabian Sea, with the Indian Navy warship INS Sumitra leading. अरब सागर में एक बार भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों को मंसूबों को नाकाम कर 17 लोगों को बचा लिया. संदेश मिलते ही INS Sumitra तुरंत अगवा जहाज के पास पहुंचा और नौसेना के जहाज पर तैनात ध्रुव हेलीकॉप्टर्स ने ईरान के जहाज को घेर लिया. खुद को भारतीय नौसेना से घेरा देख समुद्री लुटेरों ने ईरान के जहाज को छोड़ दिया और वहां से भाग खड़े हुए. इसके साथ भारतीय नौसेना ने ईरान के जहाज पर सवार चालक दल के 17 सदस्यों को सकुशल छुड़ा लिया. अभी रिसेंटली ईरान की एक शिप को जो है वो सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने हाईजैक किया. इंडियन नेवी ने जिस तरीके से बहादुरी से 17 के करीब जो उनसे ईरान के क्रू मेंबर हैं उन्हें बचाया. और इंडिया को हम देख रहे होते हैं वो क्या कर रहे हैं, लेकिन नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब होता है कि हमारे एम्बिशन ज्यादा, हम ज्यादा हिस्सा चाहते हैं. सो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब यह है कि हम बड़े हैं बाकी छोटे हैं, हम सबको सिक्योरिटी देंगे, हम दादा हैं. यही मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज में जैसे हम करें तो. हमने क्या कर लिया अचानक, हम उसको इस्तेमाल कब करेंगे, क्या हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खुद ही हमें ये बताएं. कोई भी नहीं कर सकता, हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते. इतनी पाबंदी हमारे पास, आई थिंक हमारे पास तो फ्यूल ही नहीं होगा उसको इस्तेमाल करने के लिए. हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री को हमारे उस एटम बम से क्या डर होगा जब हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकेंगे? खौफ तो उस टाइम होगा ना जब हमारे अंदर कुछ एबिलिटी हो, खुददारी हमारे अंदर हो. यही इसका मतलब है ना, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर. सो ये चीजें जो है ये है. So it means India is deploying. India is fully ambitious. कि वो इन चीज़ों को full ambitious होकर लगा हुआ है. ठीक है जी, ओके. हाँ, हम ये कर सकते हैं या करना चाहिए. मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जाने बचाई. जबरदस्त, देखिए सर, बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा. क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जाने नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की? जय हिंद दोस्तों. कल फिर से इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो ने एक बहुत बड़ा मिशन का अंजाम दे दिया है. जी हाँ दोस्तों, मार्कोस कमांडो ने सोमालिया के पूर्वी तट पे ईरान के एक मछुआरे वाले जहाज को हाईजैक होने से बचा लिया है. उस जहाज में कुल 17 ईरानियन बैठे हुए थे जिस जहाज को समुद्री डकैतों ने हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे. जब ये बात इंडियन नेवी को पता चला तब उसी टाइम INS Sumitra को उस जहाज को रवाना कर दिया गया. जब वो सभी समुद्री लुटेरों ने भारतीय इंडियन नेवी मार्कोस कमांडो को अपनी ओर आते देखा तब उसी टाइम ईरानी इस जहाज को छोड़ दिया. दोस्तों ईरान के इस मछुआरे वाले जहाज को समुद्री डकैतों से इंडियन नेवी मार्कोस कमांडो ने बचा करके एक बहुत बड़ा जीत हासिल कर लिया है और भारत माता का नाम एक बार फिर से पूरी दुनिया में लहरा दिया है. दोस्तों भारत दुनिया का इकलौता एक ऐसा देश है जो ये नहीं देखता कि ये इस्लामिक देश है, ये हमारा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है. सबको एक बराबर दिखता है और सबसे मित्रता की हाथ बटाने की कोशिश करता है. और दोस्तों हमारी इंडियन नेवी मार्कोस कमांडो ने इस मिशन को अंजाम दे करके ये दिखला दिया है कि हमारा भारतीय सेना दुनिया का नंबर वन सेना बन गई है. दोस्तों इंडियन नेवी मार्कोस कमांडो के इतने बड़े अंजाम को देख करके पूरे पाकिस्तान में एक मातम का माहौल बना हुआ है. An Iranian fishing vessel was hijacked by Somalian pirates. Indian commandos issued a warning to the pirates, asking them to back off. The pirates were disarmed, told to move towards Somalia. The hijacked vessel was sanitized and released for onward transit. और ये इंडिया आपको पता है 2011 onward continuously लगा हुआ net security provider, net security provider. ठीक है, और ये सारे जितने भी इंडियन ओशन में लिटरल स्टेट्स हैं सब में वो लगा हुआ है. और दे वॉन्ट टू अमर्ज एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड दे कॉन्सिडर दिस एज ए सॉफ्ट पावर. देखिए जो मिलिट्री डिप्लोमेसी होती है ना, आप ये जो इंडियन नेवी पहुंचती है, आपको पता है जब ये मर्चेंट वेसल्स चलती हैं तो जिस मुल्क ने इनको प्रोटेक्ट करना है दैट कंट्री विल वो उसको हाईलाइट करेगा अगली दफ़ा जब नेवीज़ की मुलाकात हो कि जनाब आपकी मर्चेंट वेसल जा रही थी, उसने डिस्ट्रेस कॉल दी, हम वहाँ पहुँच गए और हमने आपका किया, हमने आपके लोग बचाए, आपका जहाज बचाया, हमने देखे हम बड़ा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब दैट्स हाउ दे डू. सो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे आ रहे हैं. ठीक है जी. सो अभी तो उनके पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं और ये चीज़ें जो हैं ये बताता है कि वो इंडिया अपने आप को फर्दर इंगेज कर रहा है. सो हमें भी इन चीज़ों को देखना है कि जब इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर बात करता है तो टेक्निकली वो बेसिकली दैट पुट्स पाकिस्तान
दैट क्रिएट्स अ सिक्योरिटी डायलेमा फॉर पाकिस्तान. ये एक रियलिटी है जो मिलिट्री लैंग्वेज को समझते हैं. व्हेन इंडिया टॉक्स अवर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो हमारे लिए पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी डायलेमा है. हम जारी बात है, फिर बंदे घबरा जाते हैं कि भाई ये कह रहा है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इट मीन्स खर्चा बढ़ा दो, अपना एक्सपेंसेस बढ़ा दो, चीज़ें ज़्यादा कर लो. यही इसका मतलब है, और क्या चीज़ है इसका मतलब. सो ये पाकिस्तान जो है वो जब इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बात करेगा तो दैट विल क्रिएट अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान, बट फॉर द इंटरनेशनल वाटर्स, इंटरनेशनल सी, इन जगहों के लिए एक वो है, इस चीज़ की जो है ना वो एक वैल्यू होती है. तो ये फजूल की बातें. अभी मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई. जबरदस्त, देखिए सर, बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा. क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की? ईरान के जो क्रू मेंबर थे, इसके ऊपर तो कोई आप में से ब्लेम भी नहीं कर सकता पाकिस्तान से कि भाई आपने इंडिया के फोर्सेज की तारीफ कर दी. आज मैं इंडिया के, देखिए मैं पूरी ऑडियंस को, पूरे पाकिस्तान को बताना चाहूंगा, पूरी दुनिया को, हम सिर्फ इंडिया की तारीफ नहीं करते, जो कुछ कर रहा हो हम उसकी तारीफ करते हैं. अभी आज ही पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर, सर हम पाकिस्तानी फोर्सेस की शुरू में हमने बताया है कि जिस तरह बलूचिस्तान वालों के साथ हो रहा है, लेकिन जहां उनकी तारीफ है हम वो भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे. अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि ईरान ने पाकिस्तान पे रॉकेट मारे, पाकिस्तान ने प्रॉपर भरपूर तरीके से उसका जवाब दिया. ईरान को पता चला कि हमने पाकिस्तान को छेड़ा है. देखिए पाकिस्तान में पूरी दुनिया को पता है गुर्बत है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हालात बहुत बुरे हैं, ये पूरी दुनिया को पता है, लेकिन पाकिस्तानी लोग गरीब हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस या आर्मी गरीब नहीं है. हमने सारी जिंदगी दी है, सर, हमने सारी जिंदगी आर्मी को तो दिया है. हमारा डिफेंस इतना को मजबूत हो चुका हुआ है, चाहे हमारे बच्चों के पास खाने को पानी रोटी नहीं है, चाहे हमारे घरों में बिजली नहीं है, चाहे हमारे घरों में सुई गैस नहीं है, हम रोटी पकाने से महरूम है, लेकिन हमने अपनी फोर्सेस को इतना मजबूत किया, इतना मजबूत किया है कि हमारी फोर्सेस, आप ईरान के साथ कंपेयर कर लीजिए हमारी फौज को, कि ईरान पाकिस्तानी फौज के आगे कुछ भी नहीं है. इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक हमारी जो आर्मी है तकरीबन सातवें नंबर पे आती है, सातवें आठवें नंबर पे आती है, इंडिया की आर्मी दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आती है, ईरान की टॉप 10 में भी नहीं है. तो ये एक रियलिटी है. लेकिन आबिद भाई देखा जाए, एक इस टाइम ये कंसेप्ट नहीं है किसकी आर्मी बहादुर है या किसकी आर्मी मजबूत है. कंसेप्ट में हमारा रीजन या बात करने का मकसद ये है कि दो कंट्रीज, नेबर कंट्रीज हैं, आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, ऊपर से मुस्लिम कंट्री है, और तीसरा कंट्री जो कि पूरी दुनिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है ईरान के साथ. बड़ी प्यारी बात ज़हन से ही मैं बात काट दूं. देखिए ये मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट ना, सबसे पहले शुएब भाई अपने ज़हन से निकालिए, ये मुस्लिम वाला कोई चक्कर नहीं होता, ये हम लोगों ने बनाया हुआ है, ये हमारे मीडिया ने बनाया हुआ है, हमारे मस्जिद के मुल्लाओं ने जुमे वाले दिन बनाया हुआ है जो किताब देते हैं. देखिए मुस्लिम उम्मा वाला कोई चक्कर नहीं है, ये सब झूठ है. आप सऊदी अरेबिया को ले लीजिए, आप ईरान को ले लीजिए, आप यूएई को ले लीजिए, अभी अफगानिस्तान बांग्लादेश को ले लीजिए, अफगानिस्तान बांग्लादेश को भी ले लीजिए, अब ये सब मुस्लिम उम्मा है ना, हम इनके बीच में है, ये हमारे साथ साथ ही है सभी. अब मुझे बताएं कि कितने मुल्कों के मैंने नाम लिए, हमारे पाकिस्तान के इन मुल्कों में किस किस मुसलमान के साथ रिलेशन बेहतर है, कौन से मुल्क के साथ बेहतर है. एक सेकंड सर, एक सेकंड, ठीक है, थोड़ी सी बात शुएब भाई कंप्लीट होने दें, उसके बाद आप बोलिए. देखिए अफगानिस्तान के साथ हमारा पंगा, बांग्लादेश के, ओए होए बांग्लादेश का नाम जेन में आ गया, अभी बांग्लादेश के लिए 5 मिनट आप मुझे दीजिएगा, मैंने बांग्लादेश के ऊपर बातें करनी है. बांग्लादेश के साथ हमारा पंगा है, उसके बाद ईरान के साथ हमारा पंगा हो गया. मतलब ये है कि अभी सऊदी अरेबिया में देखें कि मक्का में, मदीना में सॉरी, इंडिया की एक खतून जो वजीर थी वो मदीना शरीफ गई. तो मकसद ये कि सऊदी अरेबिया और ये जो सारे मुल्क है ना, इन्हें अब समझ आने लगी हुई है कि दुनिया है, दुनिया इस्लाम के साथ पूरी दुनिया है, उसे भी लेके चलना है.